हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज सुबह सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और इंटेंशन सही रखें और बिल्कुल पॉजिटिव रहें। जस्ट प्लीज गाइड करें, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, और आर्कन दिव्य शक्ति क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। कृष्ण पूर्णि, जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान। नो नथिंगनेस। बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर आपके तरफ आ रहे हैं। आई एम कमिंग सून, कॉम्प्रोमाइज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, या दो चॉइस या थर्ड पार्टी इश्यू हो सकती है। स्ट्रेंथ, नो नथिंगनेस, पैशनेट न्यू स्टार्ट, प्रॉमिस, ट्रस्ट, कास्ट इश्यू, आई लव यू, बिलीव मी, ओवर थिंकिंग, ब्लॉकेज, यू कंप्लीट मी, आ जाओगे जब तुम उस साजना, यू आर माई अदर हाफ, थर्ड पार्टी, टॉक्सिक रिलेशनशिप, सेलिब्रेशन। तो बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर हद से ज्यादा यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर हद से ज्यादा वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लियो एनर्जी भी है। तो एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस यानी मेष, सिंह और धनु राशि, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो यानी मकर, वृषभ और कन्या राशि, लिब्रा, एक्रिस, जमनाई, तुला, कुंभ और मिथुन राशि, कॉम्प्रोमाइज। तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो यानी कि मीन, कर्क और वृश्चिक सारे साइन हैं यहाँ पे, मकर, वृषभ और कन्या राशि, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। तो बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर आने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपसे वो माफी मांगना चाहते हैं। देखिए, अगर आपके बीच में कुछ ऑब्स्टिकल आए हैं या थर्ड पार्टी इशू रही है, या हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, थर्ड पार्टी इशू में, जहां ब्लॉकेज आ रहा है, ठीक है, इस ब्लॉकेज की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़ा सा सेपरेशन, परेशानी, ओवरथिंकिंग दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पे एनर्जी कॉम्प्रोमाइज की है। ठीक है, देखिए, यहां पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और ये रास्ता ढूंढने के साथ साथ ही कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहते हैं। देखिए, उनके मन में है कि होता है ना इंसान को कि प्यार करते हैं, प्यार करती हूँ, बट एक होता है ना कि अगर आप मांगोगे कि जैसे हनुमान जी सीना चीर के दिखाए थे सीता मैया को और हमारे श्री राम प्रभु को, तो अगर आप चाहोगे कि ये आपको वो ऐसा कर दिखाएं या आपको ये सर्टिफिकेट दें, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उन्हें कंप्लीट करते हो और आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। ठीक है, और इतना कह सकते हैं कि मैं इतना जानता हूं कि मुझे तुमसे प्यार है और तुम मुझसे प्यार करती हो, इतना ही काफी है। हमारे रिलेशनशिप में विश्वास जरूरी है और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ब्लॉकेज है या कास्ट इशू है। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, ब्लॉकेज है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि तुम अच्छे से जानती हो या जानते हो, कास्ट इश्यू स्ट्रॉन्ग आ रही है, ब्लॉकेज थर्ड पार्टी एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो देखिए, आपके पार्टनर अपने जिंदगी से तो कंफ्यूज हैं ही शायद, या आप दोनों के बीच में किसी प्रकार से थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई ब्लॉकेज आ रहे हैं, डाउट्स हो रहे हैं, इस वजह से आप लोग को सेपरेशन हो रहा है या वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों को मैं देख पा रही हूं इस रिश्ते में, प्यार होने के बावजूद भी, गुस्सा होने के बावजूद भी, दोनों एक दूसरे से गिव अप नहीं कर पा रहे हो।
लेकिन आपके पार्टनर इंतजार कर रहे हैं सही वक्त का, ठीक है। आपके पार्टनर जो कहना चाहते हैं वो इंतजार कर रहे हैं सही वक्त का, क्योंकि वो भी गिव अप नहीं कर पा रहे हैं और ना ही वो आपको भुला पा रहे हैं और ना ही आपको खुलकर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग के बीच में ट्रस्ट इश्यू है तो ये वादा करते हैं कि अपने वादा वो जरूर निभाएंगे, ठीक है। और आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, देखिए उनका नेचर कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, देखिए क्योंकि अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो आप समझ सकते हो कि उनकी जिंदगी क्या हो सकती है। उनकी जिंदगी खुद ही कॉम्प्रोमाइज की होगी जहां ये टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जी है। तो आप समझ सकते हो कि जहां जिसके लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप है उनकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है, और ये कहना भी चाहते हैं आपसे। देखिए ऊपर वाला आप लोग के साथ है क्योंकि यू आर माई अदर हाफ की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे यू आर माई अदर हाफ की एनर्जी है, यानी कि अर्धनारीश्वर यानी टेम्परेंस की भी एनर्जी है और कहा जाए तो डिवाइनली गाइडेड है। तो जो भी हो, अब आप लोग के रिलेशनशिप इतना कंफ्यूजन आ रहा है, रिश्ते में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि आप एक दूसरे से लड़ रहे हो और गिव अप कोई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अब इस लाइफ आप लोग के जो भी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज आ रहे हैं वो ब्लॉकेज आप दोनों के अंदर की हैं, मतलब थॉट्स के, डाउट्स के, थर्ड पार्टी के, ट्रस्ट इशू एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप या कास्ट इशू, ये ब्लॉकेज आप लोग के ही हैं, ठीक है। और इसे कॉम्प्रोमाइज करने की वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन है, कंफ्यूज है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज तो करना चाहते हैं, रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आप नाराज हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स आप अपने पार्टनर को माफ नहीं कर रहे हो। देखिए बहुत तरह की बातें हो रही हैं, तो हैप्पी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं और ये रियूनियन भी चाहते हैं, ठीक है। हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यू अभी भी है तो ये एक स्टार्ट चाह रहे हैं, न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, पैशनेट है वो आपके लिए, मिलने के लिए, आई एम कमिंग सून एंड कॉम्प्रोमाइज। तो ये बैठे नहीं है इस रिश्ते को और इस कनेक्शन को, वो फील तो जरूर कर रहे हैं लेकिन शायद आपको मना नहीं पा रहे हैं, खुलकर अप्रोच नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस एनर्जी के अनुसार वो मेंटली कहीं ना कहीं वो परेशान स्टक है और यू कंप्लीट मी, वो आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि अपने आप के अंदर वो जो महसूस कर रहे हैं कि आपके बिना वो खुद को कंप्लीट महसूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ना आपसे झगड़े करना चाहते हैं ना फाइट करना चाहते हैं, उनको पता है कि इस रिश्ते के लिए इन्हें बहुत हिम्मत जुटानी होगी, बहुत लोगों से फाइट करना होगा, ठीक है। ठीक है वो आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है वो मैरिड हो, आप मैरिड हो, ये भी हो सकता है, या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में जहां वो अटके हो, कुछ थर्ड पार्टी ऐसे हैं, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, चाहे पेरेंट्स हो, अदर हो, ऑप्शन हो, जो भी हो, ये थर्ड पार्टी कुछ ऐसे भी है जहां हो सकता है कुछ मजबूरियां हो, कॉम्प्रोमाइज हो, ठीक है। तो कास्ट इशू, तो यहां तो 100% पेरेंट्स इशू है। अब बीच में पेरेंट्स इशू आ रहे हैं तो अपनी तकदीर को ही कोस रहे हैं ना, ये अपने तकदीर को ही कोस रहे हैं कि प्यार मैं कर रहा हूं दुश्मन जमाना बन रहा है। तो आपके पार्टनर अभी भी उनके सपने हैं, आ जाओगे जब तुम वो साजना, अगर आप मैरिज कमिटमेंट की बात हो रही है तो सपने उनके आपके साथ ही, आ जाओगे जब तुम वो साजना, लेकिन क्या करें मजबूरी है, लेकिन रियूनियन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, वो खुद आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। लेकिन कुछ मजबूरियां कभी कभी होती है, मजबूरियां कभी कभी होती है जहां गलत होता है, मैं आपको बोल देती हूँ कि यह बंदा धोखा दे रहा है आपको, मैं खुलकर उस एनर्जी में गाइड कर देती हूँ, ये बंदा आपको धोखा दे रहा है, ये धोखा दे रही है, अवेयर रहिएगा। लेकिन जहां प्रॉपर इंटेंशन सही होते हैं वहां भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ, हाँ यहाँ इंटेंशन सही है तो ये सही है, ब्लॉकेज आ रहे हैं तो मजबूरी भी है, ठीक है। वहां पे आपको क्लियर मैं कह देती हूँ, हर लोग नए रहे, हमारे व्यूवर्स, हमारी सोल फैमिली सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, सबकी एनर्जी जुड़ती है, ठीक है, सबकी एनर्जी जुड़ती है, सबके जितने लाइफ में सिचुएशन है, प्रॉब्लम से सब जुड़ते हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी जुड़ती है। तो लोग हमारे व्यूवर्स, सोल फैमिली, हमारे व्यूवर्स रोज कुछ ना कुछ जुड़ते चले जा रहे हैं, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू और वेलकम आप सबको करती हूँ। लेकिन फिर भी सबकी एनर्जी होती है, अब कल रात की एनर्जी में ही देख लीजिए, धोखे की एनर्जी निकली कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर धोखा दे रहे हैं, ठीक है, और आपको छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो कुछ
कभी कभी वो एनर्जी निकल जाती है, ऐसा थोड़ी हर वक्त आपके पार्टनर प्यारी कर रहे हैं गुस्सा नहीं कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि निकल जाता है सच्चाई, और सच मैं बोल देती हूँ आप लोग को, अवेयर भी कर देती हूँ, बाबू आपकी एनर्जी आपकी लाइफ है, आप कैसे डिसीजन लोगे आप जानो, मैं तो गाइड कर रही हूँ, डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी सिचुएशन मैंने बता दिए, जो ब्लॉकेज आ रहे वो भी बता दिए, लेकिन आपके पार्टनर खुश नहीं है, बस आप उन पर विश्वास कीजिए कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। वो एहसास दिलाना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आई लव यू एंड बिलीव मी, लेकिन यहाँ कुछ पेरेंट्स इशू भी आ रहे हैं जो आपके खिलाफ हैं, नहीं चाहते हैं, हो सकता हो रिच फैमिली हो सकता है उनके सोसाइटी से डर हो सकता है कि उनके घर में ऐसे सिचुएशन जो अदर कास्ट में मैरिज ना होती हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर के यू आर माई अदर हाफ, यानी कि इनके सॉफ्ट कॉर्नर में आप बसे हो, ओवर थिंकिंग है, बिलीव मी आई लव यू है, लेकिन किसी के लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जो वो खुद उस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आप अपने जस्टिस पाने के लिए, हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आप अपने आप को बदल रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप बुलाने की भी कोशिश करो, हो सकता है जानबूझकर आप डिस्टेंस भी मेंटेन करो, हो सकता है आपके पार्टनर भी जानबूझकर डिस्टेंस मेंटेन करो, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करके क्योंकि उनको डिसीजन लेना है, और ये डिसीजन लेंगे क्योंकि ये प्यार करते हैं। यू आर माई अदर हाफ की एनर्जी है कि आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, यू कंप्लीट मी, नो नथिंगनेस, तो ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ट्रस्ट अगर इन्होंने तोड़ा तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यू है, लेकिन ये कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं अपने लाइफ में सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करना चाहता हूँ, लेकिन इस रिश्ते में मैं बैलेंस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इनकी कोशिश जारी है और आपको प्यार का इजहार करना चाहते हैं। इस वक्त इनके मन में है विश्वास और सब कुछ ठीक करना, बस उन पर आप भरोसा कीजिए, झगड़े फाइट मत कीजिए, ठीक है। लेकिन बाबू ब्लॉकेज है, मैं जरूर कहूंगी कि हाँ रिश्ते में ब्लॉकेज जरूर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा समझिए, बात को समझिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी, ब्लॉकेज एंड कास्ट इशू, प्रॉब्लम्स ब्लॉकेज तो वैसे ही आ गए, ठीक है। तो कंफ्यूजन जहां आ रहा है, तो आपके रिश्ते बैलेंस नहीं है, वो क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा, हो सकता है आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा, हो सकता है इनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, हो सकता है अपनी जिंदगी में ही बहुत ज्यादा परेशान है, तभी तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, प्यार है, ठीक है। ये आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, बट ये कह रहे हैं मुझे प्यार है, और ऊपर वाला जानता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, खुद से भी ज्यादा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो आपके पार्टनर आने की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज बैलेंस कर रहे हैं, माफी मांगना चाहते हैं, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, सेलिब्रेशन टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, नो नथिंगनेस, कन्फ्यूजन की एनर्जी है, आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, लेकिन वो वादा निभाएंगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो है, परेशान है वो, ठीक है। ब्लॉकेज तो आ रहे हैं बाबू, मैंने ब्लॉकेज आपको बोल दिया, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, जिंदगी है, लाइफ है, प्यार है, रिश्ता है, रिलेशनशिप है, सोसाइटी है, समाज है, इमेज है, तो आपके पार्टनर इस जगह पे थोड़ा सा ये बंधे हुए हैं, ठीक है। जस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, हे कृष्ण हे गोविंद, चाहा है तुझको चाहूंगी हरदम। नींद नहीं आ रही आपके पर्सन को, ठीक है, आपके पार्टनर आपको पाना चाहते हैं, लेकिन जो धोखे से गुजर रहे हैं बाबू, समय है बदल जाइए और अपनी जिंदगी को बदलिए, ठीक है। कार्ड मैं नहीं लूंगी, टावर का कार्ड है, अभी मैं नहीं लूंगी इसको, फिर मैं सफल करूंगी। देखिए ऐसा ऐसा कार्ड दिख रहा है ना, आप देख रहे हो, जिंदगी की ना टूटे प्यार कर ले, बाबा रे बाबा, टावर टावर कार्ड आ रहा है, मैं ये नहीं लूंगी, जिंदगी की ना टूटे नहीं, प्यार कर ले घरी दो घरी, अगर वो कार्ड आना होगा तो आ जाएगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, माइग्रेन, हेडक, दर्द,
पेन सेपरेशन ब्रोकन वाली एनर्जी है हार्ट बाबा रे बाबा सेवन ऑफ सोर्ड्स डेथ। अगर इन्होंने धोखा भी दिया है ना आपको, इन्हें एहसास हो रहा है, ठीक है, इन्हें एहसास हो रहा है, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, जस्टिस आपके साथ करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अगर इन्होंने धोखा दिया, चीट किया, तो ये एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए आप टेन ऑफ पेंटिकल्स आया ना, सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। यहाँ आपके पार्टनर ने किसी और के लिए आपको धोखा दिया है, आज आपके पार्टनर रो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें आपसे प्यार है, ऐसा वो कह रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। देख लीजिए बाबू, ओवर थिंकिंग की एनर्जी आ गई, ठीक है। चाहे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या पेरेंट्स इश्यू हो, ये थर्ड पार्टी ऑप्शन हो, ठीक है, जो भी हो, पेरेंट्स हो, फैमिली हो, ऑप्शन हो, थर्ड पार्टी कोई भी हो, आपके पार्टनर पेन में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नींद नहीं आती, एंजाइटी होती है, इन्हें माइग्रेन हो रहा है, इन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा इनको बहस झगड़े फाइटिंग हो रही है, जहाँ उनकी नहीं पट रही है, एक छत के नीचे में होने के बावजूद भी उनकी नहीं पट रही। अगर ये ऑप्शन भी है, ऑप्शन के साथ इनको धोखा मिला है, ठीक है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, लेकिन डेथ की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वंड्स कीजिए, थोड़ा ब्लॉकेज जरूर है बाबू, ठीक है, थोड़ा ब्लॉकेज जरूर है, लेकिन आपके पार्टनर बात जरूर कर रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर तो आपके पार्टनर बात जरूर कर रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए अगर उन्होंने किसी प्रकार का आपको धोखा दिया है, सेवन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आपके पार्टनर ने अगर आपको धोखा दिया है, ठीक है, तो आज उन्हें एहसास हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को भी धोखे ही मिल रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स है, सेवन ऑफ सोर्ड्स है, सॉरी तो बहुत सारे व्यूअर्स, सॉरी थोड़ा गला में फंस रहा था, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वांड्स एंड द सन, बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा दिया है। क्या हो रहा है भाई, सॉरी डियर तो बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी इशू में गए हैं, चाहे जैसे भी थर्ड पार्टी इशू है, लेकिन आज आपके पार्टनर ने अगर आपको धोखा दिया है, तो यहाँ एट ऑफ वॉन्ड्स है, द सन है एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स है, तो आज आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, उन्हें एहसास है कि उन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, आपको धोखा दिया है, उन्हें इस रिश्ते को लेकर उन्हें प्यार का एहसास होने लगा है, वो मिलना चाहते हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं, वो अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो वो कर्मा फेस करें, उनकी हेल्थ इश्यू हो रही है, एंजाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, सो नहीं पा रहे, इनके अंदर बेचैनी और तड़प है, घबराहट है और बेचैनी है, क्योंकि इस पर्सन ने अगर आपका दिल तोड़ा है, तो आज आपके पार्टनर भी इसी पेन से गुजर रहे हैं। अगर इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इस पर्सन ने आपके साथ चीट किया है, चीज़ें छुपाई हैं, तो ये पर्सन खुद आज पेन में है, ठीक है, और ये पर्सन खुद आपसे बात करना चाहते हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स के अंदर द सन की एनर्जी है, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, और ये पर्सन किसी प्रकार के लीगल इशू में उलझाए गए हैं, फंसाए गए हैं, लेकिन आज आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर रहे हो, उन्होंने अपनी गलती से अपनी किस्मत को फोड़ा है, तोड़ा है, निचोड़ा है, अब ये पर्सन को लग रहा है कि आप उनकी डेस्टिनी हो और आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, आपकी लॉयलिटी दिख रही है, और ये पर्सन एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, इवन कि पेरेंट्स इशू है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बट ये पर्सन जो ब्लॉकेज है उसे रिलीज करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, ऑप्शन को छोड़ना चाहते हैं,
और ये पर्सन थोड़ा अपने काम को लेकर भी प्रेशर में है और इस रिश्ते को लेकर भी प्रेशर में है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि मेरा काम भी लॉस जा रहा है और मेरे रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे सॉरी भी कहना चाह रहे हैं और इस रिश्ते में वो कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर यूनियन चाह रहे हैं और कन्फ्यूजन को दूर करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग में एज गैप भी हो, ये भी आ रहा है, एज गैप भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कास्ट इशू हो सकते हैं, रिलीजन इशू हो सकते हैं, कुछ पेरेंट्स को लेकर भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ थर्ड पार्टी ऐसे हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कुछ थर्ड पार्टी ऑप्शन में है जहां आपके पार्टनर के साथ कुछ गलत हुआ है, जहां आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। अब उन्हें सोच समझ कर डिसीजन लेना है, इस रिश्ते पर वर्क करना है, इसलिए पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और आपसे ये कॉल मैसेज करना चाहते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स आपकी तरफ कॉल मैसेज आने वाला है और मुलाकात होने वाली है। तो आपके पार्टनर जो गलती हुई है, जो इन्होंने आपके साथ धोखा और चोट आपको पहुंचाई है, ये बंदा या बंदी की एनर्जी देखिए कि ये किस हाल में है। देखिए इन्होंने धोखा दिया, दर्द दिया, थर्ड पार्टी को देखा, आज सेपरेशन में, आज ये दर्द ये खुद झेल रहे हैं और थर्ड पार्टी इशू में है, आज इन्हें धोखा मिल रहा है, लेकिन अब ये पर्सन एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाह रहे हैं और ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आप बात करना चाहते हैं, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपसे रियूनियन में आना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें एहसास हुआ है कोई इन्हें कहीं ना कहीं जस्टिस की एनर्जी है, किसी ने ना इनको लीगल इशू में फंसाया है, ठीक है, और किसी प्रकार का हो सकता है कोर्ट कचहरी के मामले में इनको फंसाया गया, उलझाया गया है, जो कि हो सकती है फीमेल भी हो सकती हैं या कोई ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर किसी लीगल इशू से गुजर रहे हैं, लेकिन अब आपके पार्टनर को यह एहसास हो रहा है कि आप उनके लिए डेस्टिनी में लिखे गए और आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, वो आपसे प्यार करते हैं, कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं और ये कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए व्यूअर्स, अगर उन्होंने धोखा दिया है, काफ़ी टाइम से आपको इग्नोर कर रहे थे, दर्द दे रहे थे, सेपरेशन दे रहे थे, यही बंदा आज इस हालात में है, दर्द में है, सेपरेशन में है। देखिए अब ये पर्सन एक नई शुरुआत चाह रहा है, जो ये पर्सन अगर इन्होंने आपसे दुनिया बनाई थी, धोखा दिया था, ये पर्सन खुद नई शुरुआत चाह रहे हैं, तो एक नई शुरुआत के साथ आपके साथ बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं और देखिए बहुत अच्छी बात कि आपसे मिलना चाहते हैं, रियूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पार्टनर सेपरेशन में है, उन्होंने गलती की है तो उनको भी सजा मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप पेशेंस रखिए, विश्वास रखिए, एकाएक कभी कुछ नहीं होता, ठीक है, एकाएक कभी कुछ नहीं होता, ये एनर्जी है, ठीक है, वो काम करेगी, आपके खुद के अंदर विश्वास होने चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे भी हैं, रियूनियन के चांसेस हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी सही नहीं है, बट ये आपसे प्यार करते हैं, बस आपसे इतना ये कहना चाहते हैं, अब ये कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं और ये काफ़ी सोच रहे हैं, वो आपसे प्यार करना चाहते हैं इतना वो कह सकते हैं, लेकिन आप उनकी डेस्टिनी हो, ये इन्हें एहसास हो रहा है, तकदीर जो इनका मजाक बना रही है, इनको ये एहसास हो रहा है कि शायद मैंने ही माइंड सेट नहीं किया था अपने लाइफ में क्या करना है, अब मुझे माइंड सेट करना है कि तुम मेरी डेस्टिनी हो। तो मेंटली आपके पार्टनर बहुत परेशान है, तो आपकी तरफ वीडियो कॉल आ सकता है, कॉल मैसेज हो सकता है, या आपसे बात कर सकते हैं, मिलना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स कॉल मैसेज और सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं और आपकी तरफ बात करना चाहते हैं। तो ये है जी आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।